हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया है एएलपी के रिज़ल्ट को लेकर के, एएलपी के सीबीटी टू रिज़ल्ट को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल को साइको टेस्ट होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और इस नोटिस में बताया गया है कि इसको पोस्टपोन क्यों किया गया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये नोटिस आप जब खोलेंगे, यहाँ पर ओपन करेंगे, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या इसमें बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये एएलपी के लिए ये नोटिस है। तो इसमें जो लिखा गया है, इसमें बताया गया है कि जो रिज़ल्ट आया था 5 तारीख को, उसको कैंसिल कर दिया गया है। रिज़ल्ट को, जो सीबीटी टू रिज़ल्ट था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अकॉर्डिंगली आरआरबी हैव डिसाइडेड टू वन अगेन चेक द करेक्टनेस ऑफ फाइनल की, यानी वो फाइनल की को अच्छे से करेक्ट मतलब चेक करेंगे, एंड इवेल्यूएशन टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल कैंडिडेट एंड द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस रिव्यू आरआरबीज विल बी पब्लिश फाइनल आंसर की दीज फ्यू क्वेश्चंस अलोंग विद द रिवाइज्ड स्कोर, यानी रिवाइज्ड स्कोर के साथ वो दोबारा से क्या करेंगे, रिजल्ट आपका देंगे। द कैंडिडेट द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स। मतलब कि जो रिवाइज आपका रिजल्ट आएगा वो आरआरबी की वेबसाइट पर आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर लिखा गया है नीचे के इन व्यू ऑफ द एबव, यानी जितने भी ऊपर ये बातें बताई गई है, इसको ध्यान में रखते हुए, जो आंसर की मतलब दोबारा आएगी उसको ध्यान में रखते हुए, उसी के कारण जो है, जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जो टेस्ट था उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी जो 16/4/2019 को टेस्ट होने वाला था साइको का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब आपका रिजल्ट 72 का कैंसिल करके वो दोबारा से आएगा, फिर उसके बाद डेट आएगी, नई डेट आएगी साइको के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये नोटिस कब का है, आज का ही ये नोटिस है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही अपडेट थी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।